भी इंशाल्लाह अजीज चालू कर सकते हैं। हम लोग जो पार्ट 2 इस्तेमाल करते हैं, अगर उसमें अल्कोहल मिक्सचर हो तो क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, ये जो मसला है, सऊदी जो दायमी लजना है, सऊदी के जो परमानेंट कमेटी है जो फतवा देती है, जिसमें बहुत बड़े बड़े उलमा शामिल होते हैं, जिसमें शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह, सालेह अल उसैमी रहमतुल्लाह, शेख सालेह अल फौज़ान ये वगैरह, तो लजना है जो ऑफिशियल अपॉइंटेड होती है सऊदी लजना की और शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह की फतवा के मुताबिक, ऐसा परफ्यूम जिसके अंदर अल्कोहल हो लेकिन वो पीने वाला अल्कोहल ना हो, आइसोमर्स हो, मतलब आइसो इथिल आइसोप्रोपिल आइसोब्यूटिल अल्कोहल, मतलब ये एक्चुअली पीने वाला अल्कोहल नहीं होता है, अल्कोहल के फॉर्मूले को लेके केमिकली बनाया जाता है, जो ड्रिंकेबल नहीं होता, उसको तो आप जबान पे भी रखें तो जबान जल जाएंगे, एसिड होता है, तेजाब होता है, लेकिन वो वही फार्मूला होता है जो अल्कोहल पीने वाले शराब का होता है, उससे बनाया जाता है, तो ये होता है एसिडिक फॉर्म, मतलब ये एक्चुअली पीने वाला अल्कोहल नहीं होता। तो वो लिखते हैं अगर वो पीने वाला अल्कोहल नहीं है, आइसोमर्स है उसके, मतलब उस जैसा बनाया हुआ एक मॉलिक्यूल है, तो ऐसे परफ्यूम्स लगाने में इंशाल्लाह अजीज कोई हर्ज नहीं है और इसकी तिजारत में भी कोई हर्ज नहीं। ये शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह का फतवा है और सऊदी दायमी लजना ने भी यही कहा कि अगर ऐसे अल्कोहल जो आइसोब्यूटिल आइसोमिथिल, जो लोग अल्कोहल मतलब इतर का बिजनेस करते हैं उनको इसे पता होता है कि आइसोमर्स कौन से आते हैं उनके, आप देख सकते हैं या फिर उसके डब्बे को पलटाइए पीछे लिखा हुआ होता। प्रेफरेबल तो मैं कहूँगा यही है कि आप नॉन अल्कोहलिक यूज़ कीजिए, बट चूंकि मसला है तो मैं बता रहा हूँ, तो फतवा ये है कि हाँ ऐसा इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें पीने वाला नहीं बल्कि आइसोमर्स केमिकल फॉर्म में डाला जाता है।